हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5:03। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं बोलूंगा कि तुम्हारा भाई सोया नहीं है पूरी रात जगह, बट ऐसा नहीं है। आज कोशिश की गई अपनी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसको सुधारने की। तो रात में जबरदस्ती मैंने अपने आप को सुलाया और सुबह 4:30 बजे मैं उठ गया। अब पूरे दिन मैं सोने नहीं वाला हूँ। आज फर्स्ट है, आज एनिमल भी आ रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम जाने वाले हैं या उसके बाद अलश हो जाएंगे, ये इसका मुझे आइडिया नहीं है। बट उससे पहले इस ब्लॉग में आपको काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। और इधर आप लोग कहोगे यार ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, एक्चुअली थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। कोई भी यूट्यूबर हो, काफी लोग दिखाते हैं, काफी लोग नहीं दिखाते हैं। बट स्टार्टिंग से मैंने काफी ट्रांसपेरेंसी रखी है अपने जो भाई लोग हैं उनके साथ, तो मैंने कहा ठीक है यार बता देते हैं। तो कैसे मोटिवेट किया जाए अपने आपको वापस से, मैं तो भाई देखता हूँ कि यार मैं 1000 ले ली, ऐसी चीजें मैंने ओन कर ली जो मैं लाइफ में भी सोच नहीं सकता था, ऐसे काम कर लिए जो आपको आने वाले टाइम में पता चलने वाले हैं। और तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। फिर आज हमने कहा उठते हैं, अपनी लाइफ बदलते हैं। अरे मेन बात तो बताना भूल ही गया कि लखनऊ में एक ऐसी बाइक आ चुकी है जो अभी तक एक बार भी नहीं आई, और ऐसी बाइक आ चुकी है जिसकी जगह पे मैंने CBR ले ली थी बिकॉज वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो फाइनली उसको चलाएंगे, भगाए भगाएंगे। अब इस ब्लॉग में होगा, अगले ब्लॉग में होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट आप लोग बने रहो, मजा आने वाली है। सुबह सुबह गोमती नगर टहलने का मजा ही कुछ और है भाई, क्या जबरदस्त लगता है। और अगर रात भर सोए नहीं हो ना तो एक मनहूसियत सी रहती है, तो सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ तो दिन की शुरुआत जबरदस्त होती है। अपनी मैगी यहाँ पे आ चुकी है और एक एडिशनल मसाला भी हमने लिया है, ऑलरेडी इसको स्पाइसी बनाया था, उसके बाद भी मसाला लिया है। और मैं ऐसा बंदा हूँ यार, बिना दोस्तों कहीं जाता नहीं, तो मैंने ट्राई किया कि एक दो दोस्त कोई फोन उठा ले, बट कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। बट ठीक है यार, लाइफ में अकेले अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है आज हम अपनी कंपनी एंजॉय करेंगे, तो मैगी खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ सीधा जिम में। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं जिम एकदम टाइमली, 6:15 बजे जिम पहुंच गए हैं और पानी वानी भर लिया है, जा रहे हैं। थोड़ा सा आज वर्कआउट होगा, पहले आज मेरा भागने का मन है तो ट्रेडमिल करने वाला हूं मैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी इधर आ गए हैं, ये देखो वो अपनी धन्नो यहाँ पे खड़ी है, क्या सेक्सी लग रही है भाई, बहुत सेक्सी लग रही है, ज़बरदस्त लुक आता है भाई, मज़ा ही आ गया एकदम देख के इसको सुबह सुबह। वही वर्कआउट हुआ है, ऐसा पंप फील करो, शाम को यार ऐसा थकान रहती है बॉडी में, सुबह सुबह फ्रेश वर्कआउट करो, जबरदस्त रहता है भाई, मजा आ गया। कभी चलते हैं घर की तरफ और आपसे सीधा मिलते हैं शूट पर, जो दिखाना था वो दिखाते हैं, चलो। सो जिम से हम निकल गए थे और हम आ चुके हैं बेनेली 600 हाई पे, हम जा रहे हैं डिलीवरी पे। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया था ये व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है, तो वत्सल की तो बाइक रैप हो ही चुकी है, Z900 नया रैप में आ चुकी है ऑलरेडी, बट साथ ही साथ लखनऊ की पहली एक ऐसी बाइक आई है जो अभी तक लखनऊ में नहीं थी। और कैसे बताऊँ, बताओ CBR मैंने उस बाइक की जगह ले ली बिकॉज मुझे वो वाली बाइक नहीं मिली थी, मैं उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं दौड़ पाया, तो इसलिए मैंने CBR 650R ले ली थी। खैर वो ब्रांड न्यू मिल गई थी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी उसमें, बट स्टार्टिंग से मुझे वो बाइक बहुत पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर आज आपको देखने को मिलेगी, अब इस वाले व्लॉग में चलाऊंगा कि एक नए व्लॉग के लिए उसको थोड़ा सा एक्सक्लूसिव रखेंगे, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं हज़रतगंज और हमें जाना है डी रैप इशाक भाई की शॉप पे, और साथ ही साथ बेनेली का कुछ शूट भी करना था आज, तो मैंने कहा रेस डायनेमिक्स से बेनेली उठा लेते हैं। तो ऑल थैंक्स टू रेस डायनेमिक्स इस बाइक के लिए, बाकी ये सेल पे जिसको भी परचेज करनी ले सकता है, बाइक तो मैं चला ही रहा हूँ तो मुझे पता है कितनी सही है। इतना ट्रैफिक, भाई साहब बेनेली आवाज़ के लिए जानी जाती है और डेफिनेटली ये कहीं भी कमी नहीं छोड़ रही है, बहुत लाउड है भाई, बहुत लाउड। इसको इतना संभाल के मैं लाया हूँ ना यहाँ तक, एकदम क्लच ले लेके हर चौराहे पे। क्या क्या 1000 की उम्मीद तो नहीं कर रहे थे तुम लोग? मैंने कहा 1000 की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखे थे। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और वत्सल की बाइक अभी यहाँ पे खड़ी है, आप देख सकते हो पीछे एकदम बलून अलून डाल दिए गए हैं, रैप अप हो गया है। क्या रैप करवाया हो बताओ?
क्या रैप करवाए हो? जैसे इसका नाम है वैसे इसका लुक करा दिया, वेनम नाम है, एक बीस के ऊपर नाम रखा, तो एक बीस इसको बना के रेडी कर दिया है। बट अभी फिलहाल सबसे पहले इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अलावा इसके बगल में एक और खड़ी होगी अभी कि नहीं होगी? अभी एक और ऐसी होगी जो YouTube पे रेयरली दिखी होगी आप लोगों के, इतना ज्यादा डेडिकेटेड व्लॉग्स नहीं है और कोई इतना कंटेंट है भी नहीं YouTube कुछ पे। नहीं है कुछ नहीं है, बहुत रेयर बाइक है। सही भाई, तो खतरनाक बाइक के ओनर का भी कॉल आ रहा है मेरे पास, एक सेकंड। चलो भाई चलो स्टार्ट करो, रिवील करो। एक मिनट रुक जाओ, सबके कैमरे ऑन हो जाए, सबके कैमरे ऑन होना जरूरी है। चलो भैया देखें इस बार वत्सल भाई ने क्या करवाया है। कुछ तो हाइड्रो टिप भी लगेगा। सबके ऑन है? अरे गजब भाई, सेक्सी लग रही भाई बहुत। सबसे सबसे अच्छा हेडलाइट बहुत अच्छी लग रही भाई तुम्हारी। मैंने खुद नहीं देखा, एक बार मैं खुद आ गया। ये इशाक भाई डिप देखे आगे की रैप है पता नहीं चल रहा है भाई। यही तो कंफ्यूजन है कि डिप है कि रैप है, पता नहीं चल रहा है भाई। भाई क्या गजब लग रही भाई, सेक्सी लग रही भाई, सेक्सी। अगला रैप रिवील नहीं करूंगा, ऐसा ही होगा। तो बहुत अच्छी लग रही भाई, बल्की लग रही है थोड़ी पहले से ज्यादा, हेवी लग रही बहुत। वाइट यूज कर लिया ना उसमें, मस्त लग रही भाई। देखो आगे का वो हाइड्रो टिप लगा है, तुमको नीचे का हाइड्रो टिप लगा है और सेंटर पार्ट हाइड्रो टिप। ऐसा रैप भी आता है? ये रैप है, पता ही नहीं चल रहा है रैप है भाई। मैंने क्या है भाई, हाइड्रो टिप कुछ तो है भाई, पता ही नहीं चल रहा इसाक भाई ऐसा काम किया है भाई। इवन तुम सस्पेंशन रैप है देखो, हां मस्त लग रही भाई बहुत। तो भाई कुछ ऐसी लग रही है, जबरदस्त एकदम रैप हुआ है। अभी एक बार रोड पे निकलेगी तो और समझ आएगा अच्छे से, अभी इधर से थोड़ा साइड वाइड से देखना पड़ेगा जाके। बाकी सबसे बेस्ट तो ये वाला रैप लग रहा है भाई, हेड का मजा आ गया देख के एकदम। एकदम डिफरेंट है भाई, बहुत अच्छी लग रही है। स्टार्ट है भैया जी का ये, केक कटने जा रहा है। बाकी सारा बाइक वाइक तो आपने देख ही ली, खतरनाक लग रही है। लो भैया चलाओ अपनी, चलाओ अपनी, हाँ तुम ही देखे रहना भैया उधर करके, इधर ही होगी। रुको हम हट जाए भाई, कोल्ड फायर के नाम पे अनार दे रहे हैं भाई आजकल सब लोग। हम तो रिफिल लाए एक बार भाई, अनार निकलता है उसमें गर्म वाला। चलो अरे वो बेचारा हमारे क्या अरे भाई नीचे रह गया। 2 1 चलो ये खतरनाक। अब किसकी तरफ घुमाना है जल्दी बताओ, किसे चलने का मन है? घुमाना नहीं भाई, कहीं इधर ही रखे रहना नहीं भाई, घुमाना नहीं ये। अरे बाप रे खतरनाक चला भाई एकदम ये। जितना इशाक भाई का तो उतना ही पीछे पूरी टीम का भी बहुत भाई, और क्या काम पूरी मेहनत है। लो भाई बहुत अच्छा रैप कर रहा है, जबरदस्त। ये ब्लॉगर है भाई, बता दो चैनल का नाम बता दो। फजल ब्लॉग 7। क्या नाम है? फजल ब्लॉग 7। फजल ब्लॉग 7। अच्छा सही है भाई, बढ़िया। उसका कैमरा पे पकड़ लो। सारी चीजें हो चुकी हैं, हम इसको लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ एक स्पेशल बाइक जो बहुत बताई थी मैंने आपको, वो है डेटोना। क्या खूबसूरत लग रही है बॉस, ये भी हमारे साथ चल रही है। अभी इसका जो ओनर है अपना बहुत ही क्लोज दोस्त है भाई, उसने रिवील नहीं करी है। मैंने कहा चलो तुम भाई रिवील करना बाद में। तो इसका व्लॉग भी आपको देखने को जल्दी मिलेगा चैनल पे। क्या मज़ा आ जाएगी भाई, इतनी ज़्यादा यूनिक है ये और ऐसी लग रही है। मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट, खतरनाक भाई एकदम खतरनाक। चलिए इशाक भाई मिलता हूँ, क्या बात है। चलो भाई बाय बाय। क्या भाई पोस्चर देखो डेटोना का भाई, सुपर स्पोर्ट पोस्चर भाई, खतरनाक पोस्चर है। काफ़ी लंबा दिन था, काफ़ी थकाने वाला था आज। सुबह सुबह उठे जल्दी मस्त, हमने
मैगी शैगी खाई, जिम गए, फिर क्रिकेट खेलने चला गया मैं, एक मैच खेला, अपनी टीम को हरवा दिया। मतलब भाई बहुत टाइम बाद कोई मैच हारे हैं। चलो चलो राइडिंग दी Z900 और रैप के बाद क्या अलग ही खूबसूरत लग रही है भाई, बहुत सेक्सी लग रही है चलाने में, अलग ही इसको मज़ा आ रहा है। और जी देखो डेफिनेटली जितनी लाइट चलती है, जितनी अच्छी इसकी ब्रेकिंग है, जितना अच्छा इसका इंजन है, बट इस रैप के बाद ना ये बाइक हैवी भी लग रही है। मतलब इतनी हैवी है, स्टॉक नहीं लगती है इस रैप के बाद, जो इसके कट्स एंड क्रीजेज हैं वो बहुत खुल के आ रहे हैं, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा हैवी और बल्की लग रही है। जैसे Z1000 है, Z1000 की अगर आप कलर स्कीम देखोगे तो आप देखोगे उसमें बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ हुआ है, सिल्वर ग्रीन, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा बल्की लगती है। और वो खैर है भी, वो तो अलग ही है, एलियन है, बट सबसे ज़्यादा अगर Z की कोई सीरीज़ में से मुझे बाइक पसंद है सो दैट इज़ अनडाउटेडली दी Z900, मेरी फेवरेट, मुझे लगता है सबकी फेवरेट, इससे ज़्यादा हूलीगन कोई बाइक नहीं है भाई। ब्रेकिंग देखो भाई, बढ़िया ब्रेक्स हैं, डेफिनेटली गेट्स द जॉब डन। और चलो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है, या थोड़ा सा और चाहते हो कुछ, थोड़ा सा भूम बढ़ा का और चाहते हो क्या? ओह भाई क्या चल रही है यार। बाप रे जबरदस्त। चलो ऑन दिस वेरी गुड नोट एंड करते हैं इस वीडियो को, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, राइड राइड सेफ, स्टे सेफ। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं आने वाले व्लॉग में।